नांगल चौधरी से कांग्रेस कैंडिडेट राजा राम गोलवा से हमारे संवाददाता कुलदीप पठानिया की खास बातचीत हुई। चुनावी मैदान में उतरे राजा राम ने अपनी जीत के दावे कैसे पेश किए, देखिए। अभी अभी एक बड़ी सभा को संबोधित करके निकले, दरअसल कांग्रेस के प्रत्याशी नांगल चौधरी से, कांग्रेस के प्रत्याशी राजा राम जी इस वक्त हमारे साथ है। राजा राम जी, अभी हमने आपका ये सम्मेलन भी देखा, लोग तो कामकाज से तोलते, फिलहाल आपको केलों से तोला गया है। देखिए, मैं एक युवा हूँ और काम तो मेरा, जब युवाओं ने मान और सम्मान किया है, आने वाले जब मेरे को ये चुन के भेजेंगे उनके बाद में मेरा काम को तोला जाएगा। अगर मैंने विकास की पटरी को सही रूप से चलाने का काम किया तो इनके यही जनाधार मेरे को ताउम्र सम्मान के साथ रहेगा। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस का जो हाल है, मतलब आप कह रहे हैं कि 45 का आंकड़ा आपने रखा है, 75 बार का आंकड़ा बीजेपी ने रखा है, कांग्रेस जितने खड़ों में पटी हुई है उस हिसाब से आपको लगता है 45 का आपका टारगेट अटेनेबल है? कांग्रेस पूरे रूप से सरकार बनाएगी और हम आपको विश्वास देते हैं पूरे हरियाणा में अमन चैन कायम होगा। अच्छा, अभी दलितों की बात हो रही थी लेकिन अशोक तंवर जी 5 साल तक उन्होंने काम किया और 5 साल बाद उन्हें पता नहीं लगा, रास्ता साफ कर दिया गया और उनको हटा दिया गया, उनके किसी जान पहचान वाले को टिकट तक नहीं दी गई। देखिए, ये सब गलत बातें हैं, पूरा दलित समाज कांग्रेस के साथ है। अच्छा, कांग्रेस बार बार रोजगार की बात करती है, फैक्चुअल मुद्दों की बात करती है और बीजेपी फिर कहीं राह से भटका देती है कांग्रेस को। पहले राफेल आप लेकर आए, राफेल में अगर था कुछ बड़ा तो निकलना चाहिए था लेकिन आपको भटका दिया गया मुद्दे से। न्याय योजना लेकर आए 2019 में, आपको उससे भी मुद्दे से भटका दिया गया। अब भी रोजगार पर बीजेपी बात नहीं करती है और आप लगे हुए हैं लेकिन वो राजघाट पर रैलियां कर रही है और भरपूर भीड़ आ रही है। देखिए, बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ भाईचारा को खत्म करना, जातिवाद का जहर खोलना, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगना, बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है, ना कभी विकास की बात करती है, सिर्फ और भाईचारा को खत्म करने का काम, भाईचारे को खत्म करने की बात करती है। धारा 370 को हटाकर हरियाणा का जो माहौल बना है, खासतौर पर हरियाणा खिलाड़ियों के लिए, सैनिकों के लिए जाना जाता है, तो अब धारा 370 को लेकर क्या कहना है आपका और उसका कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, धारा 370 का हम भी सम्मान करते हैं लेकिन धारा 370 हटाने के बाद क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर का कोई योगदान है? ये तो देश की राजनीति की बात है, ये हरियाणा को समझाने में कामयाब रहेगी कांग्रेस? कांग्रेस रहेगी क्योंकि मनोहरलाल खट्टर ये डेमिक मुख्यमंत्री, पूरे 5 साल में भाईचारा को खत्म करने का काम, पूरे प्रशासन को कंट्रोल ना करने का काम मुख्यमंत्री खट्टर साहब के बीच में रहा। आपकी जीत की उम्मीद कितनी? मेरी 100% जीत है और समस्त, आप देख रहे हो, समस्त युवा, सारा जन जन की आवाज है कि आपकी बार हमारा भाई राजा राम। चलिए, आप आपकी बार आपका भाई राजा राम, नारा लगा दीजिए। राजा राम जी का तो यही कहना है लेकिन अगले इसी विधानसभा के किसी और गांव में चलेंगे, वहां भी पता लगाएंगे लोगों का मिजाज क्या है। इस वक्त मैं नांगल चौधरी के गांव से कुलदीप सिंह पठानिया, कैमरामैन अर्शद खान के साथ R9 TV के लिए।